हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें आपको मोटो ब्लॉगिंग ज्यादा दिखेगी, क्योंकि आज हमको जाना है कचहरी, बहुत जरूरी काम से जाना है, तो इसलिए कचहरी जा रहे हैं। तो इसी बहाने मोटो ब्लॉग करते हुए जाएंगे, आपके लिए एक ब्लॉग भी बन जाएगा, आप लोग एंजॉय भी करिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये एक सवाल होगा कि बहुत दिनों से मोटो व्लॉग नहीं आ रहा है, मतलब भाई स्कूटी में व्लॉग नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जो मेरा राइट शोल्डर है, उसके पास जो रिप्स होती हैं चेस्ट के आसपास, पुरानी इंजरी फिर से वापस आ गई थी, तो पेन हो रहा था। तो मतलब मैं अगर स्कूटी चला रहा था तो मुझे पेन हो रहा था, अगर मैं कुछ वेट उठाता हूँ तो पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ दिन अभी राइड मत कीजिए स्कूटी या बाइक, तो रेस्ट करिए। इससे रिलेटेड एक पोस्ट अपनी कम्युनिटी टैब में भी डाला था, तो आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। 14-15 तारीख के आसपास मैंने इसको पोस्ट किया था। कमिंग मंथ्स में, मतलब इस साल, मोटो व्लॉग्स आपको बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेंगे। जब तक मेरा ये पूरी तरह से हील नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाती इंजरी, तक मैं अभी मोटो व्लॉग करने से बचूंगा। लेकिन आपको वीडियो प्रॉपर मिलते रहेंगे, ट्रैवल वीडियो, क्योंकि अपना चैनल ही है, ट्रैवल से रिलेटेड, राइड से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए मैं अभी तक मोटो व्लॉग नहीं कर रहा था, और अभी बहुत जरूरी था कचहरी जाना। अपनी स्कूटी को लगभग 40 से 45 दिनों बाद निकाली है, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, बैटरी एकदम ड्रेन हो गई थी। आने वाले समय में, मतलब नवंबर में, और भी कई जगह जाने के प्लान हैं, कई सिटी में ट्रैवल करने के, तो वो भी आपको कमिंग वीक्स में या मंथ्स में आपको देखने को वीडियो मिलेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए और सपोर्ट करते रहिए। ये आ गए हम चुन्नीगंज चौराहा। अभी रिसेंटली मैं लखनऊ गया था, तो उसके लगभग 4 से 5 एपिसोड मैंने बनाए थे। आई होप आप लोग को वो वीडियो अच्छे लगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे उसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, देखिएगा। अच्छा लगे तो कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी कानपुर का कंटेंट तो बहुत सारा हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब बाहर निकला जाए, कानपुर में क्या दिखाते रहे आपको, इसलिए मैंने बाहर का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अभी लखनऊ सीरीज के लगभग 5 वीडियो मैंने बनाए, और एक आपको मिला होगा ये निबिया खेड़ा का एक वीडियो। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी एक व्लॉग आने वाला है स्केट बोर्डिंग पे। काफी दिनों से मैंने चलाया नहीं, लगभग 2 महीने के आसपास हो गए मैंने वीडियो उसका नहीं डाला, तो घर में थोड़ा बहुत चलता है, बाकी अभी जब से ये थोड़ी इंजरी हो गई तो थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। कचहरी आ गए हैं, तो चलो अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो कचहरी का काम तो कम्प्लीट हो गया, तो अब चलते हैं घर। अब हम जाएंगे घर अपना गुमटी से होके।
आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें बिना मत जाइएगा, और अगर आपके मन में कोई सजेशंस तो कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा अपना ख्याल रखें। Take a hand.